हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रानीज क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होने वाला है क्योंकि ये मैंने आज डेडिकेट किया है मेरे घर के किड्स रूम को। आज मैं बनाने जा रही हूँ 3 ब्यूटीफुल यूनिक और ट्रेंडी कुशन कवर्स, जिन्हें आप स्पेशली अपने घर के किड्स रूम में यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप उन्हें अपने घर के अदर एरियाज में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इन कुशंस को बना पाएंगे और एक बिल्कुल ही ट्रेंडी वे में अपने घर को डेकोरेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आधा मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ये वाइट कपड़ा लिया है और इसको मैंने फैला लिया। इसके ऊपर रखी है कुशन और इस कपड़े को दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया। एक तरफ से हम थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखेंगे कि वो दूसरी साइड के ऊपर आ जाए और एक एनवलप का लुक बन जाए। कपड़े को फोल्ड करके हम उसके ऊपर एक मार्क बना लेंगे। अब सबसे पहले हम इस कपड़े की जो एजेस हैं उनको फोल्ड करके उनके ऊपर एक सिलाई मार देंगे। ये इस तरीके से हम इस कपड़े की जो चौड़ाई का कपड़ा है उसके ऊपर पूरा एक सिलाई मार देंगे। और अब जो हमने अपने कुशन को रख के उसके चारों तरफ फोल्डिंग का मार्क बनाया था उसके ऊपर भी हम सिलाई कर लेंगे। और देखिए, तैयार हो गया हमारा कुशन कवर। इसी तरह से मैंने ये 3 कुशन कवर्स बना लिए हैं और अब मैं करूँगी इन्हें डेकोरेट। और अब एक कुशन कवर को रख के उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये प्लेट रखकर और उसके अराउंड मैंने मार्क कर लिया है। पहले मैं नीचे से मार्क लगा लूँगी और अब इसके चारों तरफ से मैं एक हाफ सर्किल के जैसा ड्रॉ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हम यहाँ बनाने जा रहे हैं बच्चों का मनपसंद रेनबो। ये हमें यहाँ पे एक रेनबो का जो आउटर एरिया का मार्क होता है वो मिल गया। अब इसके अंदर हम बाकी रेनबो के कलर्स को फिल करने के लिए इस तरीके से पतली पतली स्ट्राइप्स बनाते जाएंगे। और अब चूंकि हमें करना है कलर, इसलिए इसके पीछे वाले कपड़े को सेफ रखने के लिए मैं यहाँ लगा रही हूँ इसके अंदर एक न्यूज़पेपर। और अब मैं करने जा रही हूँ अपना सबसे फेवरेट वर्क जो कि है पेंटिंग, और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर। फ्रेंड्स, जितना मैंने पेंटिंग को जाना है, आई डोंट नो व्हाट इज़ पेंटिंग एंड व्हाट इज़ द माइन्यूट टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग, बट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने अनुभव किया है वो यही है कि आई थिंक पेंटिंग इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्सेंट्रेशन एंड द स्मूथनेस ऑफ योर हैंड्स। फ्रेंड्स, इसमें कोई बारीक डिज़ाइनिंग तो है नहीं, इसलिए इसे पेंट करना बहुत ही आसान है। इसे बच्चे भी आराम से पेंट कर सकते हैं। बस इसको पेंट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कलर हमारे इधर उधर फैले नहीं, क्योंकि हमारा कुशन जो है वो वाइट है, तो उस पर अगर ज़रा सा एक ड्रॉप भी आएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो बस थोड़ा सा आराम से और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ और पूरी स्मूथनेस के साथ पेंट कीजिएगा, बहुत अच्छे से ये रेनबो निखर के आ जाएगा। और ये जो बीच का खाली स्पेस है इसको थोड़ा सा भरने के लिए मैंने यहाँ कार्डबोर्ड का ये एक हार्ट शेप का स्टेंसिल लिया है और इससे मैंने ये हार्ट शेप को ड्रॉ कर लिया और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ रेड पेंट। अब हम बनाएंगे पॉम्पम बॉल्स। पॉम्पम बॉल बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ये ऊन और इसको मैं अपनी चार उंगलियों में इस तरीके से लपेट लूँगी। मैंने इसे कम से कम 90 बार लपेटा है
तो क्योंकि हमें एक पूरी बॉल की जैसी चाहिए, इसलिए हमें कई राउंड इसे लपेटना पड़ेगा या इस तरीके से। और अब इसको कट कर दूंगी और इसका एक और टुकड़ा ऊन का ले के, और अभी जो मैंने फोल्ड किया था अपनी चार उंगलियों में, इसको मैं सबसे पहले दो उंगलियों पे ले आऊंगी। और अब मैं इस ऊन को इसके अंदर से निकाल के, इसके मतलब पीछे से निकाल के, और एक टाइट नॉट यहाँ पर लगा लूँगी, एक बहुत ही टाइट नॉट। दो तीन नॉट्स हमें यहाँ एक्चुअली लगानी है और इसको खींचते हुए हमें इसको बहुत ही टाइट कर लेना है। और अब हम इसको थोड़ा सा फैला के इवन कर लेंगे। अब मैं एक सीजर से इसके अंदर से इस तरह से डाल के और इसको यहाँ से कट कर दूंगी, चारों तरफ से मैं इसको कट कर लूँगी ये इस तरह से। और अब इसके जो ये एजेस हैं इनको काट के हम पूरा बराबर से एक फाइन लुक में ले आएंगे, जिससे कि हमारी एक बॉल की जैसी हो जाए। और फिर हाथ से इसको राउंड करके हम एक बॉल का शेप दे देंगे ये इस तरह से। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर और भी कई पॉम-पॉम बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। और फ्रेंड्स, अब इन पॉम-पॉम बॉल्स को इस तरह से मैं इस रेनबो के नीचे की साइड पे इस तरीके से लगा लूँगी। इनको लगाने के लिए मैं यहाँ पर सुई धागे का यूज़ करूँगी, इसको इस तरीके से मैं सिल दूँगी। वैसे इनको लगाने का एक तरीका और है, हम इसको ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, वो भी बहुत मजबूत रहता है। इवन कई बार तो आप ग्लू गन का चिपका हुआ अगर हटाइए तो कपड़ा फट जाता है, बट वो हटता नहीं है, तो वो भी बहुत ड्यूरेबल रहता है। और इस तरीके से अगर आप सिल रहे हैं तो वो भी बहुत ड्यूरेबल रहता है। दोनों ही तरीकों से आप इसको लगा सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा पहला कुशन कवर, है ना खूबसूरत। अब रेडी करते हैं अपने नेक्स्ट कुशन कवर को। यहाँ पे मैंने दूसरा कवर लिया है और इसके अंदर से भी मैंने एक न्यूज़पेपर को डाल के इस तरीके से इसको रख लिया। अब मैं यहाँ पर सेंटर से एक आइसक्रीम का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आइसक्रीम का जो कोन आता है बस उतना ही हमें बनाना है। और अब हम इसे भी पेंट कर लेंगे। पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ब्राउन कलर, क्योंकि हमारी जो आइसक्रीम की जो कोन रहती है वो मोस्टली ब्राउन या ऑरेंज कलर में रहती है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्राउन कलर। बस अब इनके ऊपर थोड़ा सा ये ब्लैक कलर से हम इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमें एक चॉकलेटी कोन का जो लुक है वो मिल जाए। और यहाँ मैंने कुछ फिर से पॉम पॉम बॉल्स लिए हैं और इनको मैं इस आइसक्रीम के कोन के ऊपर इस तरीके से इसको लगाऊंगी, जिससे कि हमें आइसक्रीम की जो क्रीम है उसका लुक जो है वो मिल जाए। ये इस तरीके से हम इन पॉम पॉम बॉल्स को लगा लेंगे और ये हमारा एक और कुशन तैयार है। अब मैं बनाने जा रही हूँ तीसरे और आखिरी कुशन कवर को। इसके अंदर से भी मैं इस न्यूज़पेपर को लगा लूँगी। सबसे पहले एक प्लेट को रख के मैं बना लूँगी एक सर्किल। यहाँ मैं बना रही हूँ एक डॉल का फेस, तो मैं इसके इस तरीके से बालों को ड्रॉ कर लूँगी। और अब इसकी आईज इस तरीके से, बस हमें सिम्बॉलिक ही बनाना है। और इसके लिप्स, ये एक स्माइल करता हुआ हमें डॉल का फिगर मिल जाएगा। बस अब यहाँ इसके चीक पे ये रोजी चीक बना दूंगी और अब मैं इसके ऊपर पेंट अप्लाई करूँगी। यहाँ मैं बना रही हूँ स्किन कलर। स्किन कलर बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा ऑरेंज कलर और उससे थोड़ा सा ज़्यादा वाइट कलर। ये मेरे फ़ोन के फिल्टर की वजह से आपको येल्लो दिख रहा है, बट इट इज़ स्किन कलर। तो
इस डॉल के पूरे फेस को मैं इस स्किन कलर से पेंट कर लूंगी। Now I am painting on eyes. Friends, देखिए कितना आसान है इसे पेंट करना। कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, जिसने कभी बिल्कुल भी पेंटिंग ना करी हो, कोई भी बहुत आसानी से इन सारे फिगर्स को, आइसक्रीम हो, डॉल का फेस हो या रेनबो का फिगर हो, सारे के सारे बहुत आसानी से कोई भी पेंट कर सकता है। और ये दो छोटे छोटे से पिंक सर्कल्स इसके रोजी चीक के लिए, और इसके बालों के लिए मैं फिर से यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इन पॉम पॉम बॉल्स को। फ्रेंड्स, मेरे पास पे ऊन ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये फ़र का कपड़ा था मेरे पास, इसी के मैंने छोटे छोटे से टुकड़े काट के और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी कॉटन रख के इस तरीके से मैंने ये पॉम पॉम बॉल्स बनाए हैं। उसी फ़र के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके मैं यहाँ पर इसकी दो ये चोटियाँ बना दूँगी और हमारी ये डॉल जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ मैं इन पॉम पॉम बॉल्स को ग्लू गन की हेल्प से चिपका रही हूँ। और देखिए कितनी आसानी से हमारा तीसरा कुशन कवर भी बन के तैयार है। एंड हियर गोज द फाइनल रिवील। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप इस तरह की क्यूट कुशन कवर ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।